हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट मावा। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसे बनाने में हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। ट्रेडिशनली मावा बनाना बहुत ही लेंदी प्रोसेस है क्योंकि उसमें दूध को बहुत पकाना पड़ता है। सो अगर आपको कभी भी मिठाई या हलवा बनाने के लिए मावे की ज़रूरत हो तो आप इस इंस्टेंट मावा को बना सकते हैं। सो चलिए इंस्टेंट मावा बनाना स्टार्ट करते हैं। सो इंस्टेंट मावा बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लेना है एक पैन। गैस का नॉब ऑन कर लेते हैं। फ्लेम को आपने लो पर ही रखना है। अब पैन जैसे ही हल्का गर्म हो जाए इसमें 2 चम्मच आपने घी ऐड कर देना है। देखिए घी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें जल्दी से 1/2 कप दूध ऐड कर देते हैं और आपने कंटिन्यूअसली इसे स्टर करते रहना है। सो इस तरह से इसे चलाते रहिए। सो 10 से 15 सेकंड के लिए आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक उबाल आने का वेट करना है। दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हम 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। अब इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिए ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। कंटिन्यूअसली जब आप स्टर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें लम्स थोड़ी देर में अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सो आपने 4 से 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पूरी तरह से चेंज हो रही है और पूरे 5 मिनट के बाद ये अपनी फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 5 मिनट होने वाले हैं। अब ये धीरे धीरे पैन छोड़ने लग गया है। जैसे ही ये पैन पूरी तरह से छोड़ देगा दैट मीन्स मावा पूरी तरह से पक के तैयार हो चुका है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, पैन जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है। इस मिक्सर ने पैन को छोड़ दिया है यानी कि ये मावा रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए आपने इसे 5 से 7 मिनट तक ही पकाना है। यहाँ पे मेरा जो ये मावा है ये एग्जैक्ट 5 मिनट में रेडी हो गया है। अब आपने इसको पूरी तरह से ठंडा होने रख देना है। तो अब हम इस मावे को एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। दो से तीन घंटे के लिए अब आप इसे ऐसे ही रहने दें और उसके बाद ही इसे यूज करें। सो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ठंडा होने के बाद कि मावा जो है अब देखिए कितना दरदरा हो चुका है। एंड नाउ इट्स रेडी टू यूज। बस मावा बनाते हुए आपको कुछ बातों का याद रखना है कि इसे बनाने में हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। ध्यान रखें कि गैस लो फ्लेम पर ही रहे और सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे लगातार आपको चलाते रहना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल टोस्टी किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।